हेलो, कैसे हैं आप सब लोग? अच्छा, मैं आज की वीडियो छोटे से टॉपिक पे बना रहा हूँ कि मुझे अमूमन एक मैसेज मिला है, मतलब कमेंट के अंदर मैंने पढ़ा भी है इसके ऊपर, और मैसेजेस भी मिले मुझसे इससे रिलीवेंट। लोग अक्सर पूछते हैं कि अगर हम लोग जो है स्वीडन आ जाएं तो सेल्फ के ऊपर, उसके ऊपर हमें जो है पहली फीस जो होगी हम अगर दे दें, क्या सेकंड फीस हम लोग खुद मैनेज कर सकते हैं यहाँ पर आकर? ये मुन्ना लोगों का क्वेश्चन होता है, तो स्पेशली सेल्फ हेल्प के लिए ना। तो एक चीज़ मैं आपको यहाँ पर क्लियर कर दूँ कि फीस जो है ना, आप इजीली फर्स्ट तो आप ठीक है वहीं से दे देंगे अपना, अगर है अपनी कंट्री से आप पे कर देंगे ना, आप सेल्फ पे आ रहे हैं ना, पाकिस्तान हो गया कहीं से भी आप आ रहे हैं। तो सेकंड फीस आप अगर सोचते हैं कि मैं यहाँ आऊँगा तो क्या मैं पे कर सकता हूँ कम्प्लीटली, कि मैंने जो है मैं फाइनेंशली ख़ुद को सपोर्ट करना शुरू कर दूँ, जो नॉमूमन लोगों की होती है कि जी मैं इंटर हो जाऊँ तो फाइनेंशली इसके कैपेबल हूँ कि जी मैं सेकंड फीस दोबारा जो है ना किसी से नहीं लूँ, सेल्फ जो है जनरेट करूँ और ख़ुद से ना ये वो। इसमें अमूमन ये चीज़ होती है कि सेकेंड फीस थोड़ी सी डिपेंड करती है। देखेंगे, अब यहाँ पर फीसिस तो सेल्फ के ऊपर बहुत ज़्यादा है ना, कंट्रीज़ के ऊपर ना, ऑब्वियसली इन्होंने जो है एक किस्म का कह लेंगे रेवेन्यू भी अपना जनरेट करना होता है। तो होता ही है कि आप फर्स्ट फीस तो ठीक है वहाँ से पे कर दोगे, सेकेंड फीस के अंदर आपको ये इशू आएगा कि आप कंप्लीटली यहाँ पर अगर बोलूँ तो नहीं कर सकते। कि आप कहो कि ठीक है स्वीडिश क्रोन्स की अगर मैं बात करूं तो आपकी 77,000 है या 70,000 इससे अबव है, तो आपने जब यहाँ मूव करके आओगे तो आपने अपने सेल्फ एक्सपेंस भी देखने हैं, आपने अपना लिविंग, अपने जहाँ पर रहना है वो भी मैनेज करना है, वो तमाम चीज़ें हैं। वो आप डायरेक्टली अपनी कंट्री से तो नहीं मंगवा सकते, करेंसी फ्लक्चुएट कर रही है, ये तमाम चीज़ें भी होती हैं, तो आपको सेल्फ जनरेट करनी पड़ेंगी ना, कि आप यहाँ पे काम करोगे, जॉब्स करोगे, तो उन जॉब्स के अंदर आपने सेविंग भी करनी है, आपने रेंट भी पे करना है, और आपने अपने फूड का भी पे करना है, और सम टाइम यूनिवर्सिटीज़ में या कहाँ आप कोई इवेंट लेते हो या फिर इवेंट के लिए कहीं भी जाते हो या गैदरिंग के लिए कहीं भी जाते हो, वो सारी चीज़ें करनी है। तो उसके अंदर जो है ना कंप्लीट फीस नहीं आप कर सकते। मैं अगर कहूँ तो आप जो है कह लो आई 40% खुद मैनेज कर सकते हो, 40 से 70% तक कर लो, या बहुत ज़्यादा भी कर लो 80% कर लो, वो उन केसेस में जब आप फुली जो है ना फोकस कर रहे हो कि जी मैंने सिर्फ जो है ना फीस पे करनी है, और उसमें ये नहीं कि आप डिपेंड नहीं कर सकते, आपको कुछ ऑड्स रिक्वायर होंगे कि भाई इतने देर आप काम कर सकते हो, फिर उसमें अमूमन लोग ना थोड़ा सा कह लें कि डिफरेंट तरीके से ब्लैक में ही कह लें कि वो अर्निंग कह सकते हैं कि भाई मैंने अगर एक आईडी है तो मैं किसी दूसरे की आईडी पे काम कर लूँ, या फिर किसी दूसरे के पास ब्लैक में काम कर लूँ, या इस तरह से थोड़ी बहुत जनरेट कर सकते हो। फिर ऑब्वियसली अगर ब्लैक में जाओगे तो आप जो एक्सपेक्टेड करोगे, जो आप वाइट अर्निंग कर रहे होगे उसके अकॉर्डिंग तो नहीं होगी वो, थोड़ी बहुत उसके वही चीज़ आप कर रहे होगे, तो ऑब्वियसली जिसकी आइडिया जिससे कर रहे हो तो उसने अपना भी मार्जिन रखना होगा, तो फिर आप स्टडी पे फोकस कर नहीं सकोगे, ठीक हो गया। और आप 80% वालों की बात करना, 100% तो पॉसिबल नहीं है ना, तो फिर आपको फिर ये होगा कि आप अर्निंग पे ही जाओगे। तो मेन चीज़ ये थी यहाँ बताना कि सेल्फ के ऊपर आते हो तो माइंड में ये रख लो कि सेकेंड फीस जो होगी ना आपकी, जो मैसेज था कि वो आप नहीं कर सकते कंप्लीटली ना, माइंड में रखो। बहुत ज़्यादा भी होगा 50% आपको घर से मंगवानी ही पड़ेगी, और आप 50% सपोर्ट कर सकते हो। थर्ड का भी तकरीबन ऑलमोस्ट यही कुछ होगा, मतलब आपकी डिग्री तक आप कंप्लीटली स्टेबल नहीं हो सकते। बहुत ज़्यादा केसेस में हो जाए तो ऑब्वियसली फिर आपको स्टडी से पॉज भी करना पड़ जाएगा, ठीक हो गया, ये चीज़ हो गई। या फिर आपको जो है ना बहुत ज़्यादा जो है ना टाइम लगाना पड़ेगा, काम करना पड़ेगा, ठीक हो गया, लेकिन फिर भी जो है ना मेन चीज़ है कि सेल्फ पे आने के लिए सेकंड फीस और थर्ड फीस माइंड में रखें कि आपको घर से 50% मंगवानी ही पड़ेगी, आप जितनी मर्जी जो है ना जॉब कर लें या जो भी कर लें, अगर आपने स्टडी को कंटिन्यू किया होगा, अदरवाइज आपको यहाँ पर स्टडी
क्विट करनी पड़ जाएगी ना। तो ये मेरा मेन मैसेज आपको देना था कि आपको याद रहे, ये मुझे अमूमन ना अक्सर काफ़ी लोगों ने क्वेश्चन पूछा था, मैंने सोचा इसमें छोटी सी वीडियो बनाकर आप लोगों से ना अपना नॉलेज शेयर कर दूँ।